अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सोमवार 19 सितंबर को नवगठित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एमसीबी जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल सीतामढ़ी हरचौका में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया। विधानसभा उम्मीदवारों के अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। सबसे लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे 5-6 तारीख, फिर 8 तारीख, अब 19 तारीख हो गए। देखो ऐसा है, हमारी प्रक्रिया चल रही है, हो रही है, अगुवाओं होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे देश में देश भूखा छोड़ रहे हैं। कौन नहीं सुनता, अभी फिर लोकसभा आ गया, अचानक महिला बिल, पता नहीं क्या स्वरूप दे रहा है क्या नहीं, इसको तो देखना पड़ेगा। महिला बिल के बारे में क्या बोले सर? जो आरक्षण पास हुआ, हम लोग तो पहले टिकट का कंप्लीट होने करा दिया, टिकट का कंप्लीट होने, ये लोग उस समय विरोध किए थे सर। राजनीतिक जानकार ये बोलते हैं, आप जो भाजपा का मुद्दा रहा राम और राम पथ वाला, आपने अपने काम से उसको छीन लिया, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए मैं इस बात, ये लोग इनके अंतर क्या हो रही है, ये राम के नाम पे वोट भी मांगते हैं और नोट भी मांगते हैं। हमारे भाजपा का हिस्सा है राम जनजन और राम चौधरी के राम, हमारे जंगल में रहने वाले लोगों के राम हैं, मेहनत कर लोगों के राम हैं, कौशल्या के राम हैं, और कौशल्या चूंकि यहाँ के छत्तीसगढ़ की दिक्कत है, इसलिए हमारे ढांचा रहा। हम लोग कुछ नहीं देखते, हम वोट के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ लोग पहले तो ये जानते थे या तो यहाँ कुछ खदानें हैं या फिर नक्सलवाद है, इस नाम से जानते थे, लेकिन यहाँ के आदि संस्कृति के बारे में कौन जानता था। आदिवासी नृत्य महोत्सव हम लोग अंदर आया, ये सब दुनिया जानने लगे कि छत्तीसगढ़ में इतने आदिवासियों की कितने प्राचीन नीति संस्कृति है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाया, लोगों को पता चला इस रास्ते से भगवान राम यहाँ से गुजरे हैं, वो सब चीज़ों का हम पूरे देश और दुनिया के सामने, हर शिवपुर में बहुत इतना परिसर, बड़ा परिसर है जिसमें शैव भी है, उसमें बुद्ध भी है, और उसमें हमारे महावीर के मानने वाले लोग हैं, उस सबकी वहाँ मूर्तियाँ हैं, सारे जो दर्शन हैं मानने वाले लोगों को एक जगह यदि कहीं है तो शिवपुर में, तो हम देश और दुनिया सामने ला रहे हैं। हमारे बहुत कुछ परंपराएं भी हैं, हमारी संस्कृति बहुत कुछ है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन ये कांग्रेस विधायकों के साथ ये नोट का जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या ये साजिश लगती है, राजनीति हो रही है इस पर? इसके अलावा और क्या है, क्योंकि उसमें ना कोई दावा कर रहा है कि मैं दे रहा हूँ, ना कोई ये कह रहा है कि मुझसे मांगा जा रहा है, केवल एक वीडियो जारी करके हम यहाँ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ वो पी चौधरी को लड़ ले राम कुमार, आम आदमी के खिलाफ में दाल आटे का भाव पता चल जाएगा, उस समय घर भर पाया था, लड़ ले राम कुमार यादव के खिलाफ, सारी मांगे। देखिए गुलाब कमरो हमारा छोटा भाई है और इन्होंने जो मांगा कभी कोई कमी नहीं होने की, चाहे जिले बनाने में बड़ा इनका सहयोग रहा, तहसील बनाया, विभाग बनाया, बिजली के सब स्टेशन लगवाया, सड़कें बनवाई, है ना, इसको हॉस्पिटल सारे कुछ विकास के लिए लगातार लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये जो मांग है वो लेकर के लास्ट